अज गल करिए करीब 3 महीने तो बहबल गोलीकांड पीड़ित परिवार जिन्हें कि 2 सिख पुलिस की गोली शहीद हुए सन उन्होंने परिवारों वालों 3 महीने तो इंसाफ मोर्चा लगाया हुआ है। सरकारों नूं चाहीदियां वोटां, वोटां सरसे वाले कोले इन्नियां वोटां सीगियां, इह सिर्फ बादल दे दल दिमाग दे विच कीड़ा सीगा कि सरसे वाले दीआं वोटां नाल ही मैं बणदा, इसे करके उहने उहदे पोस्टरां दी राखी भी करवाई। देखो कैप्टन साहब ने गुटका साहब सौंह खाधी, नशा खत्म कर दूंगा, बरगाड़ी दे विच आ के मैं उहनूं स्टेज तों लाया कैप्टन साहब, उहनूं कहिंदा भी 1 महीने दे विच 4 हफ्तिआं दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दे दोषी आ जिहड़े संगतां दे सामणे कर दूं। मैनूं पता है भी बेअदबी दे गुनाहगारां दीआं पैड़ां जिहड़ीआं उह बादल दे घर तक जांदीआं। इह प्रोग्राम जिन्ना समां मान सरकार गुनाहगारां नूं गिरफ्तार नहीं करदी, सिखां दे हिरदे शांत नहीं हुंदे, उहनां चिर चलूगा ते हर हालत विच। 6 साल पहला बरगाड़ी विखे गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मामला बहुत तूल बढ़िया सी और उस तो बाद वक्वक तरह के संघर्ष चले और इंसाफ नूं लैके वक्वक जथेबंदियों वालों मांग की गई और इसे दे चलते अज गल करिए करीब 3 महीने तो बहबल गोलीकांड पीड़ित परिवार जिन्हें कि 2 सिख पुलिस की गोली शहीद हुए सन उन्होंने परिवारों वालों 3 महीने तो इंसाफ मोर्चा लगाया हुआ है। ये उही घटना वाली जगह है जिस जगह पर उस बहबल गोलीकांड वापरिया और उस गोलीकांड 2 जिहड़े सिख सीगे वो शहीद हो गए, पुलिस की गोली नाल मारे गए सी। उन्हां दे परिवारां वल्लों हुण इंसाफ की मंग नूं लैके करीब 3 महीने तो लगातार धरना दिता जा रहा और अज कॉल दी गई सी कि 6 तरीक तो अगर सरकार उन्हां दी गल नहीं सुनदी तां अल्टीमेटम दिता गया सी कि 6 तरीक तो जिहड़ा हाईवे बंद करके रोस प्रदर्शन किया जाएगा और अज साबका MLA नवजोत सिंह सिद्धू भी इस धरने में शामिल होने जा रहे हैं, साढ़े नाल ने उस पीड़ित परिवार के जिहड़े कि किशन भगवान सिंह जिहड़े पुलिस की गोली नाल मारे गए सी उन्हां दे बेटे सुखराज सिंह जिन्हां दी कॉल ते अज जिहड़ा धरना दिता जा रहा। सर अज तुहाडे वल्लों कॉल दी गई सी कि हाईवे जाम किया जाएगा, सरकार नूं चेतावनी दी जाए, किस तरह के प्रोग्राम रहने वाले ने? देखो जी, एक हाईवे असीं जाम कर चुके हाँ, दूसरा असीं गुरु महाराज का वाक है उस तो बाद अरदास बेनती करके रोड जाम कर जा रहे हैं, तो उन्ना टाइम जाम रहेगा जिन्ना टाइम सरकार इस मसले का हल नहीं करेगी। ये सारी घटनाक्रम की गल करिए करीब 6 साल पहला यह घटनाक्रम वापरिया पर अज तक सिख जथेबंदियों के वक् वक् धरने वक् वक् प्रदर्शनों तो बावजूद भी कोई इंसाफ नहीं मिले। देखो कित ना कि जो आप गल करिए सरकारों के बहकावे आने करके इस मसले का जरूर नुकसान होया, डिले होया, पर हुण जिहड़ी सरकार आई है 7 साल तो बयानबाजियां करती आई है, तो 7 साल के कहिंदे आ कि साडी जदों वारी होऊ असीं हल कर देंगे। सो अज उन्हां नूं साडा सवाल भी है भी तुहाडी वारी भी है, तुहाडे कोल समां भी है, तुहाडे कोल इनवैसटीगेशन ऑफिसर भी है, तुहाडे कोल जांच भी है, तो इहदा जिहड़ा जरूर उन्हां नूं हल कर देना चाहिए। 24 घंटिआं का हवाला दूसरा बहुत वड्डा मोर्चा लग्या सी, उदों कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिता कि जल्दी जिहड़े इस मामले में कार्रवाई होगी, पर किते ना किते वो सरकार भी असफल रही और आपदे मंत्रियों ते दोष लगाती रही कि उन्हां दी रली मिली भुगत दे नाल इंसाफ नहीं मिल सके। देखो जी, जिहड़े ते दोष लगते रहे आ वो अज कित्थे आ, जिहड़े लाउंदे रहे आ मेरे हिसाब नाल वो अज इत्थे आउणगे जिहड़े कहिंदे रहे आ। सो इह कला वाहिगुरू दी आ भई, मतलब जिहड़ा अजे सिख आवाज़ चकदे रहे आ चाहे किसी भी पार्टी चो चाहे किसी भी खिते चो, असीं उहदा धन्नवाद करदे आ ते वेलकम करदे आ। कुछ दिन पहला नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे सी इंसाफ मोर्चे से, तुहाडे नाल गलबात कीती सी, उन्होंने हर तरह की समर्थन का गल की सी और अज भी जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू तुहाडे इस विरोध के विच शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, वो एज ए सिख आ रहे हैं तो असं उन्होंने जीव कहने मतलब धन्यवाद करते हैं कि एक ह्यूमन बींग साहब गुरु साहब का दर्द रखते हैं बेअदबी का, तो जरूर आवाज चुके। सर तुम लंबे समय तो इस कांड के नाल जुड़े रहे हो, बेअदबी के इंसाफ लिए तुम भी संघर्ष करते रहे हो, की लगता कि इस मामले च सिर्फ सियासत हुई है या इंसाफ की राह भी कोई सरकार तुरी है? देखो जिहड़े तां इन्वेस्टिगेशन अफसर आए उन्होंने तो आपकी कार्रवाई की है पूरी, तो सरकार ने की है सियासत इस विषय, क्योंकि अफसरों कुछ भी ये किया नहीं कर नहीं दिता, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, गुनाहगार बेअदबी करने वाले सामने है, गोलीकांड करने वाले गुनाहगार सामने है, पर सजावां किसी ने नहीं। क्यों वजह की मानते हो, क्योंकि तुम गल करते हो भी इन्वेस्टिगेशन होगी दोषियों के नाम सामने आ गए, फिर वजह की हुई कि उन्होंने सजावं नहीं दवा सके? देखो उन्होंने पहुँच ही इन्नी ज़्यादा है, सरकारों चाहिए वोटा, वोटा सरसे वाले को इनिया वोटा सीगियाँ कि अज कुछ भी कर सकता सी, सिर्फ बादल के दल
दिमाग दे विच कीड़ा सीगा भी सरसे वाले दीआं वोटां नाल ही मैं बणदा, इसे करके उन्हें उहदे पोस्टरां की राखी भी करवाई। सर कांग्रेस सरकार भी तो इसे विषय ते ही गलबात करके इसे मुद्दे नूं लै के जिहड़ी सत्ता च आई सी और वादा कीता सी कि 6 महीनों दे विच विच इंसाफ मिलेगा, पर वह भी फेल साबित हुई। देखो कैप्टन साहब ने गुटका साहब की सौंह खाधी, नशा खत्म कर दूंगा, बरगाड़ी दे विच आ के मैं उन्हें स्टेज तो बुलाया कैप्टन साहब ने, उन्होंने कहिंदा भी एक महीने दे विच चार हफ्तों दे विच गुरु ग्रंथ साहब के दोषी है जिहड़े संगतां दे सामने कर दूं। मैनू पता है भी बेअदबी दे गुनाहगारां दीआं पैड़ां जिहड़ियां ओह बादल दे घर तक जांदियां, जदों इह पता सी ते फिर 4.5 साल कढ़ते उन्हें बैठे ने आपदे महल दे विचों बाहर नहीं आया, संगतां दे सामने नहीं होया। पर कारण इह है सिट ते सिट बनाई तुरे गए, इन्वेस्टिगेशन जे किसी ने बनाती तो उन्होंने खारज करती, बहुत कुछ किया, कहिंदा भाव भी कित्थे जिहड़ी उन्होंने सहुं खाधी सी झूठी सहुं खाधी सी कैप्टन साहब ने, तो उस का खमियाजा कैप्टन साहब भरत रहे भुगत रहे हैं, ऐतकी कट्टे की बली देनी पई उन्होंने। तो इस बार जिहड़ा हैगा बादल परिवार जिन्होंने कसमां खाधियां झूठी कसम खाधी, जदों कैप्टन सरकार नूं हटाया गया उन्होंने अहुदे तो हटाया गया तो दूजा तेरे गल करता रहा सीगा कि हुण असीं जल्दी इंसाफ दवावांगे, पर तीन या चार महीने दे जिहड़ा उन्होंने समां मिलिया उस समय विच कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल जी कुछ नहीं कर सके, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत जोर लाया 2018 के जो बरगाड़ी मोर्चा लग्या उदों विधानसभा के तकरीबन हरेक मैंबर ने इस गल दे विच हामी भरी भी बरगाड़ी कांड के जिहड़े दोषी आ उन्होंने सजावां दिओ, ते उन्हां तों बरगाड़ी धरना शुरू होने तों बाद कुछ दिनों के जिहड़े बेअदबी करन वाले गुनाहगार आ गिरफ्तार कर ले सी पंजाब दी। अज्ज वड्डी गिणती विच सिख जथेबंदियां किसान जथेबंदियां इत्थे जुड़ रहियां ने, की प्रोग्राम रहेगा, सिर्फ अज दा दिन ही प्रदर्शन किया जाएगा या ये लंबे समय लिए चलेगा? नहीं, ये प्रोग्राम जिन्ना समा मान सरकार गुनाहगारां नूं गिरफ्तार नहीं करती, सिखां दे हिरदे शांत नहीं हुंदे, उन्ना चिर चलूगा ते हर हालत दे विच। वोटां तो पहले गल करिए तां इक इन्होंने दावा किया कि रिपोर्टां तैयार ने, 24 घंटे का काम है, अगर जे सरकार चाहे तो 24 घंटे दोषियों नूं सजावां दित्तियां जां सजावां नूं उन्हां नूं कचहरियां तक लिजा सकदा, पर तुसीं मानदे हो कि यह सब कुछ संभव हो सकता? देखो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, गुनाहगार सामने है, सब कुछ हो सकता जे सरकार चाहन तो, जिवें केजरीवाल साहब ने कहा भी 24 घंटे का काम है कर सकते हैं, तो अज तो 24 दिन हो गए उन्होंने को जोड़ा है की कही है, की कही है नीयत नहीं साफ या करना नहीं चाहते या कि पुरानी सरकारों वगू भी लारिया में रखें? नहीं उपरों डंडा है, किस तरह का सेंटर सरकार का जोड़ा है ना उपरों प्रैशर आ भी बादलों में बचाओ, जिन्हें मर्जी गोली मार दो, जिहड़े नूं मर्जी गोली मार दिओ, जिहड़ा जिथे टंगिया जांदा टंग दिओ, कुट्टो डांगा मारो परचे करो, खुले छड़ते आ बादलों नूं नहीं कुछ होना चाहिए। बिल्कुल कितने ना कितने सिख आगुआं विच लम्मा रोस पाया जा रहा है कि प्रैशर दे सेंटर सरकार दे प्रैशर दे दौरान जिहड़ा इंसाफ नहीं मिल रहा, और अज तुसीं देख सकदे हो कि वड्डी गिणती विच सिख जथेबंदियां वल्लों इत्थे कतरता की जाएगी, सड़क जाम की जाएगी, और कितने ना कितने मान सरकार को चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है कि इन्हों बेअदबी के मामलों में बहबल कोटपुरा गोलीकांड मामले में जल्द इंसाफ किया जाए, नहीं तो यह संघर्ष जरा लगातार इस तरह जारी रहेगा। फरीदकोट तो नरेश सिटी फैक्ट्री।